गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया। लास्ट क्लास में हमने कुछ इस नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट वन में हमने बेसिक जानकारी ली थी। हमने ये जाना कि क्यों ये नेशनलिज्म ज़रूरी था, हमने ये जाना कि कब हमारे नेशनलिज्म ने स्पीड पकड़ी या बकअप हुआ, या गांधी जी का अराइवल किस तरीके से रहा, या गांधी जी ने कहाँ कहाँ पर अपने सत्याग्रह आंदोलन किए। आने के बाद हमने चंपारण का केस सुना, हमने खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, और हमने अहमदाबाद के मिल वर्कर्स वाले सत्याग्रह पर भी चर्चा किया। अब हम अपने नेशनलिज्म इन इंडिया के पार्ट सेकंड में आगे के बारे में पढ़ेंगे। एंड हमने लास्ट क्लास में जहां से छोड़ा था उसके बाद तो हम शुरू करते हैं अब रॉलेक्ट एक्ट के बारे में। रॉलेक्ट एक्ट ये एक ऐसा एक्ट था जिसे अंग्रेज़ों ने हमारे देश में जो नेशनलिस्ट मूवमेंट ने जो एक स्पीड पकड़ी थी उसको रोकने के लिए एक प्रयास था, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट था। तो उसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। इम्बोल्डेंड विथ हिज सक्सेस, गांधी जी इन 1919 डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेक्ट एक्ट 1919। अपनी उन सभी सत्याग्रह की जो मूवमेंट थी, जो उन्होंने चंपारण में किया, या जो उन्होंने खेड़ा में किया, या उन्होंने अहमदाबाद के मिल वर्कर्स को इंस्पायर करने के लिए किया सत्याग्रह के लिए, और चाहे वो अफ्रीका की ही सक्सेस क्यों ना हो, इन सब से वो इतने ज़्यादा खुश थे या प्रभावित थे कि गांधी जी ने अब 1919 में पूरे नेशन में एक साथ सत्याग्रह के बारे में सोचा अगेंस्ट द रॉलेक्ट एक्ट। अब रॉलेक्ट एक्ट के अगेंस्ट उन्होंने अपने एक नेशन वाइड सत्याग्रह शुरू करने की कोशिश एक प्रपोज्ड किया प्लान को। दिस एक्ट हैड बिन ह्यूरिडली पास्ड थ्रू द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स। ये जो रॉलेक्ट एक्ट था ये बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में पास किया गया था इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा। और ये जो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसमें जो इंडियन मेंबर्स थे वो सब के सब मिलकर इस रॉलेक्ट एक्ट का विरोध कर रहे थे। इसके बावजूद इसे इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा बहुत ही जल्दबाजी में पास किया गया था। इट गेव द गवर्नमेंट इनरमोस्ट पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल्स फॉर 2 ईयर्स। ये लॉ जो था गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पावर दे रहा था कि वो किस तरीके से पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रोके, और वो उनको ये भी अलाउ कर रहा था कि जो भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, जो भी राजनीतिक कैदी थे, उन सब को बिना किसी ट्रायल के 2 साल तक के लिए डिटेन किया जा सकता था, कैद में रखा जा सकता था। गांधी जी वॉन्टेड अ नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस अगेंस्ट मच इनजस्ट लॉ। गांधी जी चाहते थे वो एक शांति प्रिय सविज्ञ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चाहते थे इस लॉ के अगेंस्ट, इसलिए उन्होंने पूरे देश में एक देशव्यापी हड़ताल स्टार्ट की 6 अप्रैल पे। ठीक है, सो यहाँ पे हम देखा जाए तो एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे 2 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, दैट व्हाट इज़ द रॉलेक्ट एक्ट, या डिस्क्राइब अ शॉर्ट नोट ऑन द रॉलेक्ट एक्ट, यहाँ पे शुरू होता है। तो रॉलेक्ट एक्ट सबसे पहले तो हम लिख सकते हैं कि दिस रॉलेक्ट एक्ट वॉज पास्ड इन 1919 एंड दिस वॉज पास्ड बाय द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन ह्यूरिडली डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स, एंड इट गेव द गवर्नमेंट इनरमोस्ट पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड अलाउड द डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स। हम यहाँ पे ये भी एक छोटी सी जानकारी या पता चलता है कि व्हेन डिड द महात्मा गांधी स्टार्टेड अ नेशन वाइड हड़ताल अगेंस्ट द रॉलेक्ट एक्ट, हम बोलेंगे इट इज़ ऑन 6 अप्रैल 1919। Railways were organized in various cities. Workers went on strike in the railway workshops and shops closed down. बहुत सारे शहरों पर रैलीज ऑर्गेनाइज की गई, जो वर्कर्स थे उन्होंने वो स्ट्राइक्स में आ गए रेलवे वर्कशॉप्स के, और बहुत सारी दुकानें बंद कर दी गई रॉलेक्ट एक्ट के अगेंस्ट में। अलार्म्ड बाय द पॉपुलर अपसर्ज एंड स्कैर्ड दैट लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन सच एज रेलवे एंड टेलीग्राफ वुड बी डिस्क्रप्टेड, द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर डिसाइडेड टू क्लंप डाउन ऑन द नेशनलिस्ट। तो चूंकि ये जो इनका हड़ताल थी, या ये जो रेलवे वर्कशॉप में रेलवे के जो कर्मचारी थे उन्होंने काम करना बंद किया था या दुकानें बंद हो रही थी, तो इससे इनकी कम्युनिकेशंस
में या मूवमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि अब इनका सामान नहीं जा पा रहा था, ना ही ये किसी और से आगे कम्युनिकेट पर कर पा रहे थे। सो इसको ठीक करने के लिए इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब वो नेशनलिस्ट जो हैं उनको क्लैंप डाउन करेगी, उनको पकड़ बनाएगी। लोकल लीडर्स वे पिक्ड अप फ्रॉम द अमृतसर एंड महात्मा गांधी वॉज बैड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। जो लोकल लीडर्स थे दिल्ली के, अमृतसर के, उनको वहाँ वहीं के वहीं अरेस्ट कर दिया गया और महात्मा गांधी को दिल्ली एंटरिंग्स पे रोक लगा दी। ऑन 10 अप्रैल द पुलिस इन द अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेसन प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक ऑन बैंक्स पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे स्टेशन। सो 10 अप्रैल को जो पुलिस अमृतसर की पुलिस थी उन्होंने एक फायर ओपन कर दिया अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन। एक शांतिप्रिय रैली चल रही थी, उस रैली पे जो महात्मा गांधी उन्होंने 10 अप्रैल पे फायर कर दिया, जिसने पूरे देश में एक आग सी लगा दी। जो नेशनलिस्ट थे, जो भी रेवोल्यूशन कर रहे थे, वो बैंक पोस्ट ऑफिस और रेलवे स्टेशन में अटैक करने लगे। अब जिसके कारण से मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, द मार्शल लॉ वॉज इम्पोस्ड एंड जनरल डायर टुक कमांड। सो चूँकि उन्होंने 10 अप्रैल में इस शांतिप्रिय आंदोलन में गोली चला दी थी, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन और बैंक्स पे हमला कर दिया, जिसके बाद पूरे अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने कमांड ले ली। ऑन 13 अप्रैल द फेमस जलियांवाला इंसिडेंट टोक प्लेस। ऑन डैट डे अ लार्ज क्लाउड गैदर्ड इन द क्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जलियांवाला बाग। 13 अप्रैल को फेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। यहाँ पर जो था जलियांवाला, अमृतसर के जलियांवाला बाग में, जो कि चारों तरफ से एक दीवारों से घिरा हुआ था, वहाँ पर एक बहुत बड़ी क्राउड इकट्ठा हुई। सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश न्यू रिप्रेसिव मेजर्स, अदर हैड कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर। तो ये जो क्राउड था, इसमें से कुछ लोग जो थे वो इस नए गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे, वहीं बहुत सारे लोग जो थे वो जो सालाना बैसाखी का मेला होता है उसके लिए आए थे दूसरे शहरों से। नाउ मैनी विलेजर्स वर अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ डैट हैज़ बीन इम्पोस्ट। इनमें से बहुत सारे जो लोग थे उनको ये पता ही नहीं था कि अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। डायर एंटर्ड द एरिया, ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट्स एंड ओपन फायर ऑन द ग्राउंड। जनरल डायर जो थे वो जलियांवाला बाग में एंटर किया, उसने सारे गेट्स बंद कर दिए और पब्लिक पर ओपन फायर ओपन कर दिया, killing hundreds, and his objective, as he declared later, was to produce a moral effect to create in the mind of satyagrahis a feeling of terror and awe. So ये जो incident हुआ, इसके बाद General Dyer ने बाद में बताया कि उनका जो objective था इस fire को open करने में वो ये था, ताकि वो nationalist या सत्याग्रही के मन में एक डर बना सकें, आतंक का डर बना, एक डर सा बना सकें, इसलिए उन्होंने ये गोली चलाई थी। नाउ एज द जलियांवाला बाग स्प्रेडेड, क्राउड टुक टू द स्ट्रीट इन मैनी नॉर्थ इंडियन टाउन। देयर वेयर स्ट्राइक्स, क्लैशेस विद द पुलिस एंड अटैक्स ऑन द गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद द ब्रूटल रिप्रेशन, सीकिंग टू ह्यूमिलेट एंड टेररइज पीपल। जैसे ही जलियांवाला बाग की खबर फैली, जो क्राउड्स तो थी वो सड़कों पर आ गई, बहुत सारे नॉर्थ इंडियन सिटीज़ में वो स्ट्राइक्स करने लगे, पुलिस से भिड़ने लगे और बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर हमला करने लगे। गवर्नमेंट ने भी इस तरीके के जो हमले थे उन पर एक्शन लिया और लोगों को डराना और धमकाना शुरू किया। सत्याग्रहीज वर फोर्स टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड, क्रॉल ऑन द स्ट्रीट एंड टू डू सलाम टू ऑल द साहिब्स। सत्याग्रही जो थे उनको जबरदस्ती ग्राउंड में नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया गया, रोड पर पलटी रोल करने के लिए, क्रॉल करने के लिए मजबूर किया गया और जितने भी साहिब थे उनको सलाम करने के लिए मजबूर किया गया। पीपल वर फ्लॉग्ड एंड विलेजेस अराउंड गुर्जरवाल इन पंजाब नाउ इन पाकिस्तान वेब बॉम्ब्ड। लोगों को बहुत ज़्यादा डराया गया, मारा पीटा गया और जो विलेजेस थे उन पर भी हमला किया गया। सीकिंग वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल्ड द मूवमेंट ऑफ। और ये जो हिंसा था, ये हिंसा को देखते हुए महात्मा गांधी ने जो थी
पीपल्स बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। तो ये सब को देखते हुए महात्मा गांधी जी ने था ये जो उनका पहला जो हड़ताल था इसको वापस ले लिया गया। वाइल द रोलेक्ट सत्याग्रहिस हैड बीन अ वाइड स्प्रेड मूवमेंट इट वॉज स्टिल लिमिटेड मोस्टली टू द सिटीज एंड टाउन। चूँकि रोलेक्ट सत्याग्रह एक बहुत बड़ा और फैला हुआ मूवमेंट था फिर भी ये पूरे देश तक नहीं फैल पाया था और अभी भी कुछ ही शहरों या टाउन्स तक ही ये फैल पाया था। महात्मा गांधी नाउ फेल्ट टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। महात्मा गांधी को लगा कि अब एक समय आ गया है कि अब उसे रोलेक्ट एक्ट के अगेंस्ट जो सत्याग्रह था उससे भी बड़ा एक सत्याग्रह को लॉन्च किया जाए। बट ही वॉज सर्टेन डैट नो सच मूवमेंट वुड कुड बी ऑर्गेनाइज विदाउट ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम टुगेदर। पर उनको ये जानते थे कि ऐसा कोई भी मूवमेंट लागू नहीं किया जा सकता बिना हिंदू और मुस्लिम को इकट्ठा किए बिना। वन वे ऑफ डूइंग दिस ही फेल्ट वॉज टू टेक अप द खिलाफत इशू। तो उनको यहाँ पर एक ऐसा समझ में आया कि अगर उनको हिंदू मुस्लिम को जोड़ना है तो उनको खिलाफत इशू को उठाना होगा। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड एंडेड विद द डिफीट ऑफ ओटोमन टर्की and there were rumors that a harsh peace treaty was going to be imposed on the Ottoman Empire. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुका था ओटोमन टर्की की हार से और यहाँ पर यह अफवाह फैली हुई थी कि एक बहुत ही ज़्यादा ख़राब पीस ट्रीटी हार्श मतलब हार्ड पीस ट्रीटी जो थी वो ज़बरदस्ती ओटोमन एम्परर पर लागू की जा रही थी। द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड द खिलाफा जो इस्लामिक वर्ल्ड जिसे हम खिलाफा कहते हैं उसका स्पिरिचुअल हेड होता था। टू डिफेंड द खिलाफाज टेम्पोरल पावर अ खिलाफत कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन बम्बई इन मार्च 1919। तो खिलाफत जो वहाँ की जो खिलाफा था वहाँ का जो इस्लामिक वर्ल्ड था ओटोमन एम्पायर तुर्की का उसके पावर को बचाने के लिए हमारे बम्बई में भी 1919 में एक कमेटी फॉर्म की गई थी जिसे खिलाफत कमेटी बोला गया। A young generation of Muslim leaders like the Muhammad Ali and the Shaukat Ali began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of united mass action on the issue. जो मुस्लिम लीडर्स के जो यंग जनरेशन थी मोहम्मद अली और शौकत अली उन्होंने गांधी जी से डिस्कस करा और वो सारे रास्ते फाइंड करने की कोशिश की किस तरीके से एक मिला जुला मास एक्शन लागू किया जा सके। गांधी जी saw this as an opportunity to bring the Muslim leaders under the umbrella of the unified national movement. गांधी जी ने भी इस खिलाफत मूवमेंट को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा कि वो अब मुस्लिम को भी नेशनलिस्ट मूवमेंट के अंदर में ला सकते हैं। एट द कलकत्ता सेशन ऑफ द कांग्रेस इन सितंबर 1920 ही कन्वीनियंस्ड अदर लीडर ऑफ द नीड टू स्टार्ट अ नॉन कॉम्बिनेशन मूवमेंट इन द सपोर्ट ऑफ द खिलाफत एज वेल एज फॉर द स्वराज। सो उन्होंने कलकत्ता में होने वाले 1920 में जो कांग्रेस सेशन था उसमें बाकी सारे लीडर्स को भी कन्वीनियंस किया कि वो किस तरीके से एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करें जो खिलाफत मूवमेंट और साथ साथ स्वराज दोनों के लिए काम कर सके। नाउ व्हाई नॉन कोऑपरेशन इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज 1909 महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट ब्रिटिश रूल वॉज एस्टैब्लिश इन इंडिया विद द कॉरपोरेशन ऑफ इंडियंस एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ हिज कॉरपोरेशन। सो महात्मा गांधी ने अपनी बहुत ही फेमस बुक हिंदू स्वराज जो उसने 1999 में लिखी थी उन्होंने ये डिक्लेयर किया उन्होंने ये बताया कि ब्रिटिश स्वराज जो थी वो भारत में इसलिए एस्टैब्लिश जम पाई इसलिए बन पाई क्योंकि हमने कॉरपोरेट किया और इसलिए वो अभी तक बनी हुई भी है क्योंकि हम उसे अभी भी कॉरपोरेट कर रहे हैं। सो इफ़ इंडियंस रिफ्यूज टू कॉरपोरेट ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड कॉलेप्स विद इन अ ईयर एंड स्वराज वुड कम। इसलिए गांधी जी का मानना था कि अगर सारे इंडियंस कॉरपोरेट करने से मना कर दें तो ये जो पूरा ब्रिटिश एम्पायर है वो एक साल के अंदर ही कॉलेप्स हो जाएगा और भारत में स्वराज आ जाएगा। हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकेम अ मूवमेंट अब किस तरीके से नॉन कॉपरेशन जो है वो एक मूवमेंट बन सकता है। गांधी जी प्रपोज दैट मूवमेंट शुड अनफोल्ड इन स्टेजेस। गांधी जी ने प्रपोज किया कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है ये एक साथ लागू नहीं किया जाएगा बल्कि स्टेजेस में लागू किया जाएगा। इट शुड बिगिंस विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स दैट द गवर्नमेंट अवॉर्डेड। ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है इसकी शुरुआत होगी टाइटल्स के सरेंडर से जो वो लोग करेंगे जिनको गवर्नमेंट ने टाइटल्स दिए थे। एंड अ बॉयकॉट ऑफ द सिविल सर्विसेज के बॉयकॉट से आर्मी पुलिस
स्काउट्स एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स, इन सब जगहों से बॉयकॉट करके, देन इन केस द गवर्नमेंट यूज्ड रिप्रेशन, अ फुल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड। और फिर उन्होंने कहा कि अगर इसके बाद गवर्नमेंट जो है वो और ज़्यादा सख्ती से पेश आती है, तब उसके बाद पूरी तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू कर दिया जाएगा, है ना। थ्रू द समर ऑफ 1920 महात्मा गांधी एंड द शौकत अली टॉड एक्सटेंसिवली मोबिलाइजिंग पॉपुलर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट। तो सितंबर 1920 तक महात्मा गांधी शौकत अली के साथ मिलकर एक बहुत ही बड़ा पॉपुलर सपोर्ट जमा करने में कामयाब हो गए। मैनी विद इन द कांग्रेस वेयर हाउ एवर कंसर्न अबाउट द प्रपोजल, लेकिन कांग्रेस में से भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस प्रपोजल से परेशान थे, उसके बारे में कंसर्न थे। दे वेर रिलेक्टेंट टू बायकॉट द काउंसिल इलेक्शन शेड्यूल्ड फॉर नवंबर 1920 एंड दे फियर डेट द मूवमेंट माइट लीड टू पॉपुलर वायलेंस। सो ये लोग जो थे वो 1920 में होने वाले जो काउंसिल इलेक्शन था, जो शेड्यूल किया गया था नवंबर में, उसको बायकॉट करने की सोच रहे थे, पर उनके मन में ये था कि इसको करने से एक बहुत ही बड़ा वायलेंस भी हो सकता है। सो इन द मंथ बिटवीन द सेप्टेम्बर एंड दिसंबर देयर वॉज एन एक्सटेंसिव टसल विद इन द कांग्रेस, और इसीलिए एक महीने के अंदर सितंबर से दिसंबर के बीच में ही, दो तीन महीनों के अंदर कांग्रेस के बीच में भी मनभेद होने लगा। फॉर अ वाइल देयर सीम टू बी नो मीटिंग पॉइंट बिटवीन द सपोर्टर्स एंड द अपोनेंट ऑफ द मीटिंग। सो इनके बीच में इतना मनभेद हुआ कि थोड़े वक्त के लिए तो इस मूवमेंट को सपोर्ट करने वाले और अपोज करने वालों के बीच में कोई भी ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं मिल रहा था जिसके कारण से मीटिंग की जा सके। फाइनली एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन दिसंबर 1920 अ कॉम्प्रोमाइज वॉज वर्क आउट एंड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज अडॉप्टेड। और फाइनली दिसंबर 1920 में जो नागपुर का कांग्रेस सेशन हुआ था उसमें एक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ और नॉन कॉम्पिटिशन मूवमेंट जो था वो अडॉप्ट कर लिया गया। नाउ हाउ डिड द मूवमेंट अनफोल्ड, हु पार्टिसिपेटेड एंड हाउ डिड डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कंसीव्स द आइडिया ऑफ नॉन कॉम्पिटिशन। अब हम ये देखेंगे किस तरीके से ये मूवमेंट अनफोल्ड हुआ, कौन कौन इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए और किस तरीके से डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के हिसाब से उनका अलग अलग नॉन कॉम्पिटिशन का आइडिया था। सो हियर यू सी अ पिक्चर ऑफ अ मास मूवमेंट, जो यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट और स्वराज के लिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पे आप मुस्लिम्स का झंडा भी देख सकते हो, वहीं गांधी जी का चरखा भी देख रहे हो। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो मास मूवमेंट था ये शौकत अली और महात्मा गांधी जी ने मिलकर तैयार किया था। नाउ डिफरेंट स्टैंड विद इन द मूवमेंट। सो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। आज हमने रॉलेक्ट एक्ट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। हमने ये देखा कि रॉलेक्ट एक्ट क्या है, कब लागू हुआ था और किस तरीके से गांधी जी ने रॉलेक्ट एक्ट के अगेंस्ट नेशन वाइड पहला हड़ताल शुरू की। फिर उसके बाद हमने देखा कि उस हड़ताल से क्या हुआ। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। हमने ये भी देखा कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद किस तरीके से गांधी जी ने अपना जो उस मूवमेंट को बंद किया। फिर हमने देखा कि किस तरीके से गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया। खिलाफत मूवमेंट के बारे में पढ़ा और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कारण जो कांग्रेस के अंदर जो थोड़ा बहुत मतभेद हो रहा था हमने उस पर भी चर्चा करी। अब हम अपने अगले लेक्चर में ये देखेंगे कि किस तरीके से ये जो मूवमेंट था ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सोच के साथ था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हम देखेंगे तो अभी भी एक कमी ये थी कि देश की सभी जनता केवल और केवल इंडिपेंडेंस के लिए नहीं लड़ रही थी। यहाँ पर अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग सोच थी। यहाँ पे आज़ादी का मतलब अलग अलग था। तो क्या था वो मकसद, किस ग्रुप के लिए क्या था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये हम अपनी अगली क्लास देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको ऐसा लगा हो कि ये आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और उन बच्चों को शेयर करें जिनको ऐसा लगता है, जिनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास पर।